हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम फुल फ्लायर्ड प्लाजो की कटिंग किस तरह से करेंगे। तो उसके मेजरमेंट कुछ इस तरह से हैं, लंबाई 33 इंच, क्योंकि लंबाई में हमें ऊपर और नीचे प्लाजो में दोनों जगह मार्जिन चाहिए होता है, ऊपर बेल्ट के लिए और नीचे से फोल्ड करने के लिए। इसलिए हम उसकी लंबाई रखेंगे 35.5 इंच, आसन रखेंगे 14 इंच, हिप रखेंगे 36 इंच और वेस्ट रखेंगे 30 इंच। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कपड़े को 4 तह में रख लेना है कुछ इस तरह से, 1, 2, 3 और 4। और उसके बाद मेजरमेंट स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे 35.5 इंच पर। सबसे पहले लंबाई का निशान लगाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वेस्ट साइज लेंगे, क्योंकि हमारा हिप का साइज है 36, तो हम मार्जिन लेकर के उसको 40 इंच पर निशान लगाएंगे। 4 तह में है तो 40 का जो फोर्थ पार्ट हो जाएगा दैट विल बी 10, तो 10 पर हमने निशान लगाया, क्योंकि आसन की लंबाई हमने 14 इंच रखी है। यहां से हमने 14 इंच का आसन का निशान लगाया। यहां से हम इसको इसके साथ जॉइंट कर देंगे। ये हमारे आसन की गोलाई हो जाएगी, क्योंकि हमारा प्लाजो जो है हमें फुल फ्लायर का चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां से इस वाले साइड से इसको मिला देना है। इस तरह से हम पूरे फ्लायर प्लाजो के निशान लगाएंगे और उसके बाद हम मार्जिन लेके इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेंगे इसके साइड में, ये हमारा कटिंग के लिए होगा और ये मेन पॉइंट हमारा सिलाई के लिए होगा। इसकी लंबाई है 35.5 इंच, क्योंकि मुझे ये 33 इंच तैयार चाहिए। कुछ हम नीचे से फोल्ड करेंगे और कुछ ऊपर से फोल्ड करेंगे इसमें इलास्टिक डालने के लिए। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमारा ये पार्ट यहां से जॉइंट है, तो हम इसको भी अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारे इसके दोनों पार्ट तैयार हो जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह से इसकी सिलाई करेंगे, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको प्लाजो की कटिंग का ये तरीका बेहद आसान लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।